प्राइवेट नौकरियों में सरकार द्वारा किए गए 75% आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए राधौर विधायक बिशन लाल सैनी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये केवल दिखावा है, इससे सरकार झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार को युवाओं को इस आरक्षण का फायदा देना है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करना चाहिए। डॉक्टर बीएल सैनी ने कहा कि पहले तो प्रदेश में इंडस्ट्री ही नहीं है, जब तक नई इंडस्ट्री ही प्रदेश में नहीं लगेगी तो युवाओं को नौकरियां कैसे मिल पाएंगी। जो इंडस्ट्री प्रदेश में है वहां युवाओं को अनुबंध के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार को अपने इस बिल को सरकारी नौकरियों में लागू करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 149 AE भर्ती की है, जिसमें से 50 पद आरक्षित थे, बाकी 99 में से केवल 22 पदों पर ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली है। इस भर्ती में ज्यादातर युवा अन्य प्रदेशों के हैं। ऐसे में सरकार केवल झूठी घोषणाएं कर बिल पास कर रही है, जिसका लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा। प्रदेश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सड़कों पर नौकरियां पाने के लिए घूम रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो है 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हरियाणा के बच्चों के लिए, लेकिन वो नौकरियां तो तभी मिलेंगी ना जब कोई बाहर से कोई इंडस्ट्रियां लगेंगी, कोई कंपनियां आएंगी, उनमें नौकरियां लगेंगी। अब तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं, जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, वो चाहे किसी ने कितनी मर्जी पढ़ाई कर ली, चाहे वो उसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर ली, चाहे उसने MBA कर ली, चाहे उसने जो मर्जी कर लिया, अच्छे से अच्छा कोर्स कर लिया, उसको अब नौकरियां 75% जैसे कहा जा रहा है, वो तो वही एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो गई। जैसे लेबर वाले लेते हैं, जो लेबर का कॉन्ट्रैक्टर है वही लेगा, ठीक है 75% ले लेगा, लेकिन जो इसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें इन्होंने करना चाहिए था, अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है उसमें 75% उसमें क्यों नहीं किया भाई? बच्चे यहाँ के नौकरियां हैं, यहाँ लगनी, और लगेगा कौन बाहर का आकर के लगेगा? और हमारे वाले क्या करेंगे? हमारे वाले फैक्ट्रियों में काम करेंगे, जो फैक्ट्रियां कभी लगेंगी उनमें लगेंगे 75%, सरकारी नौकरियों में बाहर के लगेंगे। इससे बड़ा कोई सबूत है क्या? इससे बड़ी कोई जास्ती है क्या हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ? ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक